पर खुलेआम संविधान को बदलने की भाषा कर रही है। मेरे पास अभी ये कार्यक्रम खत्म होते ही मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, 6 महीने के अंदर किसी यतीन्द्र नाथ को देश से बाहर दबाऊंगा। कानून है सिर्फ संविधान की जय करने से नहीं होगा, उस संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। कोई हमको रास्तों पे उतर कर उनका विरोध नहीं किया हमने, 1-2 पेज का ड्राफ्ट बनाया इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1970। इसके तहत जिस व्यक्ति को इस देश का संविधान पसंद नहीं है उसको देश से बाहर निकाला जाए। देश का संविधान पसंद नहीं है ना, जाओ। जिस देश का संविधान पसंद है उस देश में जाकर रहो। बस ये कानून का ये लेना है हमको, रेफरेंस देना है। ऐसे लोग संविधान के खिलाफ बात करने लग गए, खुलेआम बात कर रहे हैं, पेपर में छाप रहे हैं। आखिर मैं आपको पूछता हूं, इस देश के संसद में 350 भी ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 350 से भी ज्यादा पूरी संसद उनके हाथ में है, पूरी राज्यसभा उनके हाथ में है, पूरी न्यायपालिका उनके हाथ में है, पूरा मीडिया उनके हाथ में है। मुझे बताओ देश चलाने के लिए इनको संविधान का कौन सा आर्टिकल आड़े आता है, कौन से आर्टिकल में इनको देश चलाने के लिए मना किया है। लेकिन फिर भी ये संविधान के खिलाफ जहर उगलेंगे। क्यों उगलेंगे पता है? आपके पास संविधान का किसी हाथ में आप अगर वो तो प्लीज मुझे दीजिए, क्या है इनकी अड़चन? संविधान से ये नफरत करते क्यों है? ये संविधान लागू होने से पहले इस देश में मनुस्मृति थी। मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ही लाइन में, क्योंकि बहुत लोग हमारे संविधान तो रखते थे लेकिन पढ़ते नहीं, मैं आपको वो पढ़कर ही सुना पा। बाबा साहब देखिए क्या कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां यानी कानून, सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होगी जिस तक वे इस भाग के उपसंबंधों से असंगत है। इसका मतलब समझाता है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 13 लिखा और आर्टिकल 13 में लिखा कि ये संविधान लागू होने से पहले भारत के जमीन पर जितने भी कानून लागू है, जितने भी प्रथाएं लागू है, आज से मैं उसे शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को हमेशा हमेशा के लिए हटाया इस संविधान में। ये दिक्कत है इनकी, ये इनके मनुस्मृति को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब आज भी उस मनुस्मृति को जिंदा होने नहीं देते, इसलिए इस संविधान को हटाने की बात ये यतीन्द्रनाथ करता है, इसलिए करता है। दूसरी कोई दिक्कत नहीं है जिस मनुस्मृति के कानून में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, संविधान लागू होने से पहले भी जातियां थी, आज भी जातियां हैं। लेकिन संविधान लागू होने से पहले हर जाति का एक विशेष काम हुआ करता था। उस जाति में जन्मा हुआ आदमी दूसरे जाति का काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर चमार जाति में जन्मा हुआ आदमी या स्त्री सिर्फ जूते चप्पल का ही काम करेंगी, चमड़े साफ करने का ही काम करेगी, दूसरा काम नहीं करेगी, क्या करेगा? नाई समाज का आदमी, नाई जाति का आदमी सिर्फ बाल काटने का काम करेगा, दूसरा कोई काम उसको नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से हर जाति के अलग अलग काम हुआ करते थे मनुस्मृति के कानून में। इस संविधान को लागू होने से पहले बाबा साहब ने संविधान दे दिया, सबको समानता का अधिकार दे दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दे दिया। अब संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ पता है? संविधान लागू होने के बाद कितना बड़ा बदलाव हो गया है। जिस घर में नाई का बेटा सिर्फ नाई बन सकता था, जिस घर में चमार का बेटा सिर्फ चमार का ही काम कर सकता था, जिस घर में गलियारा का बेटा सिर्फ भेड़ पालने का काम कर सकता था, बाबा साहब के संविधान की वजह से आज नाई का बेटा IAS ऑफिसर बन रहा है, आज गलियारा का बेटा IPS बन रहा है, हमारे लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन गए। इस देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, पता है आप लोगों को?
कभी स्वच्छता अभियान देखा है आप लोगों ने? करीब से ये कचरा भी साथ लेकर चलते हैं, पहले कचरा डालते हैं और फिर साफ किए हुए वीडियो निकालते हैं, खुद कचरा डालते हैं। इसका मतलब स्वच्छता अभियान का कचरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर सही में इनको कचरा साफ करना होगा तो रास्तों पर उतर कर कचरा साफ करते हैं, ये तो अच्छी चीज से पहले गंदा करते फिर साफ करते हैं। तो स्वच्छता अभियान का अर्थ है क्या? बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो लोग आए संडे आईपीएस संडे कलेक्टर बन गए, बड़े बड़े पदों पर चले गए, क्लास वन क्लास टू ऑफिसर्स बन गए, इनको उन पोजीशन से हटाना, ये है इनका स्वच्छता अभियान। इन सारे पोजीशन से हमारे लोगों को हटाया जा रहा है, कंपल्सरी रिटायरमेंट लेने के लिए बातें किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम में एक तहसीलदार आपको मिले, उन्होंने कहा मुझे 20 साल पहले से ही रिटायर कर दिया, हमारे तहसीलदार आज वो कोर्ट में केसेस लड़ रहा है। इस तरह के कानून उन्होंने बना दिए, फिर से इस देश में मनुस्मृति के कानून को ये जिंदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर युवा ज्यादा पैमाने पर बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, ये दूध कोई जो कोई पिएगा वो दहाड़े। बाबा साहब ने यह आदेश क्यों दिया? क्योंकि बाबा साहब जिनको अपना गुरु माना करते थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने इस देश के लोग शूद्र कैसे रहे उसका उसका कारण ढूंढ निकाला था। क्या कहते हैं ज्योतिराव फुले? क्या कहते हैं? विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई, नीति के बिना वृद्ध गया, और वृद्ध के बिना शुद्ध, ये जो लोग है ये शुद्ध बन गए। इतना अनर्थ एक और विद्या ने किया। इसका मतलब क्या है? विद्या के बिना मति गई, मति है बुद्धि, विद्या बनकर तो इनकी बुद्धि चली जाएगी, ये सोच नहीं पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर बुद्धि ही नहीं होगी, मति ही नहीं होगी, तो गति नहीं होगी, गति स्पीड थिंकिंग पावर, गति नहीं होगी, गति नहीं होगी तो नीति नहीं होगी, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे कि पढ़ाई के लिए कितना खर्चा करना है, घर कैसे चलाना है, कौन सी नौकरी ढूंढनी है, कौन सा कोर्स करना है। अगर पढ़ाई नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो आपकी प्लानिंग नहीं होगी, और नीति नहीं होगी तो वित्त नहीं होगा, वित्त यानी पैसा, और पैसा नहीं होगा तो ये लोग शूद्र बन जाएंगे। इतना अनर्थ किस वजह से होगा? विद्या को बंद करने से, विद्या को बंद करने से। और इसी बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा छेड़ने का दूध है, जो कोई पिएगा वो धारेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस वाक्य के ऊपर हमारे लोग चले, हमारे लोगों ने अमल किया। जो व्यक्ति, जो स्त्री लोगों के घरों में काम करती थी, लोगों के खेतों में काम करती थी, उसने अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर तैयार किया। बाबा साहब के आदेश का पालन करते हुए हमारे अनपढ़ लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, हमारे अनपढ़ लोगों ने अपने घरों में डॉक्टर इंजीनियर तैयार कर दिए। आज 2021 में हालत ऐसी है कि मेरे सामने बैठे हुए डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। कानून बना दिए है, नीट नाम का कानून सुना है सब लोगों ने? ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा है। नीट क्या है? ये कानून 12वीं कक्षा के बाद जिस किसी कॉलेज में, जिस किसी कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है, तो आपको नीट नाम की परीक्षा देनी होगी, एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एंट्रेंस टेस्ट के वजह से क्या हुआ है उसका जीता जाता उदाहरण देना चाहूंगा। साउथ में अनिता नाम की अनुसूचित जाति की लड़की 12वीं कक्षा में 98% से पास हुई साइंस में, 98% साइंस स्ट्रीम से वो पास हुई, और ये नीट नाम का कानून लागू हो गया। उस बच्ची ने नीट का विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि नीट की क्या आवश्यकता है, अगर हम लोग 98-99% लेकर पास हो रहे हैं तो इस परीक्षा की आवश्यकता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की एग्जाम देनी ही होगी। अब ये गरीब बच्ची
नीट के क्लासेस के लिए आज हमारे मुंबई में एक दो हफ्ते के क्लासेस के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए की फीस है। परीक्षा के लिए 3.5 से 4 लाख रुपए का ये फीस लिया जाता है। वो गरीब शेड्यूल कास्ट की बच्ची बिना क्लासेस ज्वाइन किए घर में पढ़ाई किया उसने और परीक्षा देकर आई, परीक्षा का रिजल्ट आया फेल। 98% बारहवीं कक्षा के साइंस में मिलने के बावजूद उस बच्ची को भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर ली। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सभी पेपर में ये खबर है। हमारे अनपढ़ लोगों के घरों में है, झाड़ू करता करके अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर तैयार कर रहे थे, अब ऐसे कानून बना दिए है कि आपके बच्चे कभी डॉक्टर इंजीनियर लॉयर नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकता। इस एक तरफ हमारे हाथों से हमारे सभी अधिकार छीने जा रहे हैं और हमारी समस्या क्या है, ये महाराष्ट्र से क्यों आ रहा है, हमारे हाथों से हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, संविधान जा रहा है, हमारा दुश्मन तैयार होते जा रहा है और हम लोग आपस में एक दूसरे के पैर खींचने में लगे आपस में। ऐसे कि आप सभी लोग बड़े बड़े पदों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मुंबई के हाईकोर्ट के जज पद का ऑफर आया, जज लॉयर नहीं, मुंबई हाईकोर्ट के जज पद का ऑफर बाबा साहब को आया। बाबा साहब ने कहा अगर 10 से 5 में इस कोर्ट रूम में बैठा रहा तो मेरे समाज को न्याय देने का काम कौन करेगा। बाबा साहब ने जज पद का स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब ने अगर वो नौकरी स्वीकारी होती तो आज भी आप कूड़ा कचरा उठाते होते। बाबा साहब ने वो नौकरी ठुकराई इसलिए आज आपको बड़े बड़े पदों पर बैठा, वो नौकरी ठुकरा इसलिए आज आप डॉक्टर लॉयर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि जो ग्रंथ हमें ताकत देता है क्या उस ग्रंथ को हमको नहीं बचाना चाहिए। ऐसे लोग इस देश में सत्ता में चले गए। आज देखिए जो बातें मैं यहां बता रहा हूं, गली गली में जाकर गांव गांव में जाकर हम बताते हैं, क्यों हमारे पास हमारा मीडिया नहीं है। कभी देखा आपने मुझे किसी टीवी चैनल पर, कभी देखा किसी न्यूज पेपर पर, अगर देखा भी होगा तो गलत कानून की वजह से। तेलंगाना में मैं इसी तरह से संविधान जागृति का काम कर रहा था तो कोई NIA या IA कोई चैनल का एजेंसी होता है उससे मेरा वीडियोस ले रहे थे, पूरा मोशन कट कर दिया और जितना उनको चाहिए उतना दोहराया और ऊपर टैगलाइन क्या दिया, इनको पाकिस्तान से प्यार, इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यानी इस देश का मीडिया हमारे हाथ में नहीं है, अगर बता भी दिया तो गलत बातें बताता है और इसलिए हमने सोचा अगर मीडिया हमारी बातें नहीं बताता है, अगर मेरे पास मीडिया होता, अपना मीडिया होता तो मैं मुंबई के स्टूडियो में बैठकर ये बातें आपको नहीं बता पहुंचाता, आपके घरों में आपके टीवी पर क्यों आपको यहां आने की जरूरत होती। लेकिन हमने भी सोचा कि चलो मीडिया हमारा साथ नहीं देता, तथागत बुद्ध के पास कौन सा मीडिया था, तथागत बुद्ध के पास तो गाड़ियां भी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, स्कूटर नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, रस्ते तक नहीं थे, कीचड़ में से पत्थरों में से तथागत बुद्ध ने चालीसा की श्रमण पूरे देश का भ्रमण किया और आज तथागत बुद्ध का धम्म उनकी बातें ये आधे विश्व में गई है, आधे विश्व में किसी यंत्रणा के बिना, किसी यंत्रणा के बिना। तो आज तो हमारे पास तथागत बुद्ध की जो समस्या थी उतनी तो नहीं है हमारे पास, हमारे पास गाड़ियां है, रास्ते है, एरोप्लेन है, इतनी यंत्रणा होने के बावजूद हमारी विचारधारा घर से बाहर नहीं जा रही, कहीं तो गलती हो रही होगी हमारी। तथागत बुद्ध भी इंसान थे, मानव थे, अगर तथागत बुद्ध का धर्म उनकी बताई हुई शिक्षा विश्व में जा सकती है।